हेलो वेलकम हेयर अगेन ऑन माई चैनल जानकारी हित माई सैल्फ हित अभिलाषी शर्मा एक बार फिर थोड़े नाल जानकारी साझी करांगा। इकोनॉमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मुद्रा मनी मनी के रिगार्डिंग गल करांगे बड़ी डिटेल दे विच। लेट्स मूव हैड विद मी टू डिस्कस टूडेज कॉन्टेंट। यस स्टूडेंट, we should know that exchange is the basic of any economy. जो वटांदरा है ना वो किसी भी अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। बिना एक्सचेंज तो मतलब वटांदरे तो आज दे समय दे विच की पुराने समय की भी गल करिए जिहड़ी ह्यूमन लाइफ है असी उहदे बारे कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि इंसान दियां बहुत सारियां अनलिमिटेड वांट्स ने। हर व्यक्ति अपनी लोड़ नूं आप नहीं पूरा कर सकता। मान लो मैनू चीज़ों की जरूरत है तो अज के टाइम के असी गल करिए कपड़ा चाहिए है रोटी चाहिए असी पैसा दिंदे समान ले लैंदे। सेम इस तरह जिहड़ियां इह अनलिमिटेड वांट्स ने पुराने समय च भी सी मनुख दियां लोड़ां। हर व्यक्ति अपनी लोड़ां नूं आप पूरा कर ले इह संभव नहीं सी। इहदे लई की हुंदा सी इक दूसरे नाल वटांदरा हुंदा सी। हुण असी गल करदे इस चीज़ के बारे कि पुराने समय के वटांदरा किस तरह करते होंगे। मनी नहीं सी उदों वस्तुआं दा वस्तुआं नाल वटांदरा हो जांदा सी। अजकल असी वस्तुआं दा वस्तुआं नाल वटांदरा ना करके असी पैसे नाल वस्तुआं खरीद लैंदे हां अपनी जरूरतों नूं पूरा कर लैंदे चाहे वस्तुआं खरीदनियां ने जां सेवावां। इस ढंग दे नाल क्योंकि जो एक्सचेंज है उन दो ढंग नाल कीता जा सकदा सी। जे पुराने टाइम की गल करिए जां अज दे टाइम की जां तां वस्तुआं दे बदले च वस्तुआं जां वस्तुआं दा वटांदरा पैसे दे नाल। इस ढंग के नाल दोनों गल्लां नूं ध्यान च रखते हुए अज तक जिहड़े सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रहे ने वटांदरा प्रणालियां रही ने दुनिया के विच दो ही ने। वन इज़ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जिसनों वस्तु वटांदरा प्रणाली कहिंदे ने। सैकेंड वन इज़ द मोनिटरी एक्सचेंज सिस्टम मुद्रा वटांदरा प्रणाली। आपां दोनों की गल करते हैं। सब तो पहलां गल करिए वट इज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वस्तु वटांदरा प्रणाली की। बार्टर इज़ द डायरैक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट यूज ऑफ एनी मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिथे बिना मुद्रा तो वस्तुओं के बदले के वस्तुओं का ही लेन देन होंदा है उन्हों असी वस्तु वटांदरा प्रणाली और बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहने हैं। इस सिस्टम दे विच की होंदा है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज दे विच एक व्यक्ति कोई वस्तुआं फालतू ने उन्हें दूसरी वस्तुआं चाहीदियां ने वो दूसरे व्यक्ति की तलाश करता है उस व्यक्ति नूं अपनी वस्तु दे दिंदा है ते उस तो अपनी जरूरत की वस्तु ले लैंदा है। दैट इज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पुराने समय दे विच जदों मुद्रा नहीं सी एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिन्हों असी मुद्रा कहिंदे आ नहीं सी तां लोक वस्तुआं दा वस्तुआं नाल लेन देन करी जांदे सी। जिसनों कपड़े की जरूरत है वो जिस कोल कपड़ा फालतू है उस व्यक्ति नूं लभदा क्योंकि अपनी जो एक्सट्रा कनक हुंदी सी मान लो वो उसनूं दित्ती ते कपड़ा ले लिया। इस तरह दुध के बदले के अपनी किसी दूसरी वस्तु नूं पूरा कर लेना। इस ढंग के नाल बहुत सारिया सेवावां होंदिया सी पिंड दे विच या साडी इकोनमी दे विच जिथे दी भी गल करिए उस जगह दे उते वस्तुआं दा वस्तुआं नाल लेन देन हो जांदा सी। चाहे किसी शहर की गल करिए पिंड की गल करिए इकोनमी के हर हिस्से दे विच वस्तुआं नाल लेन देन हुंदा सी। बट देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जिन्हों नूं असीं ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहने हैं। वस्तु वटांदरा प्रणाली की कमियां की सी लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स। उहदे विच सब तो पहली वड्डी कमी जिहड़ी सी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज दैट इज़ द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस दोहरे सहयोग की समस्या। इहदा मतलब की है हुण एक व्यक्ति कोई वस्तु फालतू है उन्हों कोई दूसरी वस्तु चाहिंदी है तो उन्हों ओ व्यक्ति लभना पैंदा सी जिस किसी दूसरे व्यक्ति नूं उस वाली वस्तु की लोड़ है जिहड़ी उस व्यक्ति कोल है ते उहदे कोल ओ वस्तु है जिहड़ी पहले व्यक्ति नूं चाहिंदी है। इस तरह का संयोग होना इहो जिहा कोइंसीडेंस होना आलमोस्ट कई बार इंपॉसीबल हो जाता सी। दैट इज़ द बिगेस्ट एवर ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज सैकेंड दी लिमिटेशन है ड्रॉबैक्स। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब वस्तुओं के मुल नूं मापन की इकाई उहदी समस्या की सी कि किसी वस्तु का मुल दूसरी वस्तु के मुल के बदले कितना निश्चित किया जाए उसकी निश्चित इकाई की होएगी।
क्योंकि कोई निश्चित इकाई तो है नहीं सी, किसी व्यक्ति नूं कोई वस्तु चाहिंदी सी, किसी नूं कोई वस्तु चाहिंदी सी, किन्नी कनक के बदले च किन्नी गावां होनी चाहिंदियां ने, एक मान लो किसी ने गां खरीदनी है तां उहदे बदले दे विच किन्ना कपड़ा होना चाहिंदा, इस नूं मेजर करना आलमोस्ट इंपॉसिबल सी। दैट इज द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। नैक्सट ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम एक्सचेंज की, मोर ट्रेडिंग कोस्ट, वस्तु वटांदरा प्रणाली की ज़्यादा लागत। जदों का व्यापार करना है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं को एक्सचेंज करना है, तो वह कोस्ट बहुत आती सी। उहदे विच सब तो वड्डी कोस्ट होंदी सी सर्च कोस्ट, तलाश करनी उस वस्तु का, जिहड़ी किसी व्यक्ति कोल एक्सट्रा खरीदार कौन है, कित्थों मिलेगा, उन्हों लभना आसान काम नहीं सी। उन्हों लभन दे विच टाइम भी ज़्यादा चाहिंदा सी, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती सी। इस दौरान जिहड़ी वस्तु है हो सकदा वह खराब हो जाए, जिस व्यक्ति वस्तु नूं वह लेके चले बदलन दे लई। इहो जी जिहड़ी सर्च कोस्ट सी, दैट इज द बिगेस्ट एवर डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इस तों इलावा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज दे विच वड्डी प्रॉब्लम आउंदी सी, प्रॉब्लम रिलेटड विद डैफर्ड पेमेंट। डैफर्ड हुंदे ने स्थगित भुगतान। मान लो असी किसी व्यक्ति नाल इक कॉन्ट्रैक्ट साइन कीता है कि उसनों आने वाले समय च कुछ पैसों की पेमेंट करांगे, चाहे वह किसी काम के बदले च हो। मान लो असी वर्कर लगाए हुए ने काम करने लिए, उन्होंने 3 महीनों बाद 6 महीनों बाद पेमेंट करनी है सैलरी की या वेजिस की, उस हालत इहो जी पेमेंट नूं असीं स्थगित भुगतान कहने, क्योंकि आने वाले समय च पेमेंट करनी है। आने वाले समय च उस वस्तु की दूसरे वस्तु के बदले च किन्नी वैल्यू निश्चित होएगी। अज तुसीं निश्चित कर रहे हो, हालात कुछ होर ने, आने वाले समय च हालात कुछ होर हो सकते हैं। हो सकता है जिहड़ी वस्तु असीं देनी है वह खराब हो गई होवे, हो सकता है उस वस्तु की बाजार दे विच कोई पुछण वाली ना होवे, उहदी वैल्यू ही घट गई होवे जिहनूं निश्चित करता। तां डैफर्ड पेमेंट्स नूं निश्चित करना, आने वाले समय के किन्नी कि वस्तु के बदले के वस्तु की पेमेंट की जाएगी, वस्तु ट्रांसफर की जाएगी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, इसनों निश्चित करना तो उन्होंने जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल काम सी। दैट इज़ आलसो द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इस तो इलावा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की एक बड़ी प्रॉब्लम सी, डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्थ और वैल्यू। जेकर असी धन संपत्ति है, जो मान लो पैसा है, उन्होंने स्टोर करना कितना आसान है। पैसे लोग नोटों अपने घर अलमीराज के बंद कर लेंगे, दैट इज़ क्वाइट ईजी, जेब पैसे पाए चलते। पर जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से उन्होंने स्टोर करके रखना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। मान लो किसी व्यक्ति को बहुत सारा अनाज है, अनाज में भंडार किमें करके रखोगे, किन्नी देर तक संभाल के रखोगे, उन्हें खराब हो जाना है। मान लो पशु ने जिन्हों एज एक्सचेंज उन्हें यूज करना है, आने वाले समय के किन्ने पशु रखे जा सकते हैं, कुछ पशु बीमार होकर मर सकते हैं, तो असी उसनों स्टोर करके रखना इंपॉसिबल सी। ये भी बहुत बड़ी समस्या सी वाटर सिस्टम एक्सचेंज। इस तो इलावा लैक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, जो वाटर सिस्टम एक्सचेंज के असी वस्तुओं का लेन देन करते हैं, तो उस हालत उहदा प्रोपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार करना, किस वस्तु के बदले च किन्नियां वस्तुआं फिक्स कीतियां जाणगियां, उन्हों ट्रांसफर करना, दैट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट। हाउ टू मेनटेन द रिकॉर्ड, वी कॉन्ट ईवन थिंक अबाउट इट। अकाउंटिंग सिस्टम के कोई नियम नहीं सी कि असी प्रोपर कोई अकाउंटिंग सिस्टम अडोप्ट कर सके, जिमें असी अकाउंटेंसी के कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जानते हैं। तो लैक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इज़ आलसो द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। इस तो इलावा प्रॉब्लम इन द ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, वस्तुओं एक जगह तो दूसरी थान के उ ट्रांसफर करन दे विच भी बड़ी वड्डी समस्या सी। मान लो अज पैसे ने किसी जगह तो एक जगह तो दूसरी जगह पर लेके जाने, जिन्हों असी मनी कहने हैं, तो बड़ा ईजी है, लेकिन वस्तुओं ट्रांसफर करना एक जगह तो दूसरी जगह पर लेके जाना, मान लो किसी व्यक्ति को हाउस है, अपना घर वो दूसरी जगह पर लेके जाना चाहता है, पहले तो अपने हाउस में बेचेगा, बदले च मान लो उन्हें पशु प्राप्त हो गए, अनाज प्राप्त हो गया, उस अनाज को ट्रांसफर किवें करेगा, ट्रांसफर करते करते खराब भी हो सकता है, पशु ने मर भी सकते हैं, तो सारा का सारा वेस्टेज। तो जी मॉनिटरी वैल्यूज़ के नाल जिवें ट्रांसफर करना आसान होंगे, बार्टर सिस्टम के वस्तुओं को ट्रांसफर करना, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफिकल्टीज और वी कैन से ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बड़ी वड्डियां समस्यावां सी, ते यही कारण सी कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की इन्हां कमियां करके इंसान ने खुद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक चीज़ की खोज की, वो खोज सी मनी, मुद्रा। सो एक्सचेंज जो असं सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की गल करते हैं, उत्थे सैकेंड जिहड़ा सिस्टम आ जाता, दैट इज़ मोनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। वटांदरे के रूप के मुद्रा की वरतों किवें होंदी है, इहदे बारे गल करते हैं, तो नाल ही गल करते हैं आपां मुद्रा की चीज़ है, मनी किसनों कहिंदे ने, मुद्रा वटांदरा प्रणाली की है।
अंडर मॉनेटरी एक्सचेंज ऑफ सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी, मतलब मनी दी हेल्प दे नाल वस्तुओं का लेन देन होंदा है अंडर मॉनेटरी एक्सचेंज ऑफ सिस्टम। हुण सवाल पैदा होंदा मनी की चीज़ है। जे असी साधारण अर्थां की गल करिए मुद्रा एक अजिही वस्तु है जिसनों वटांदरे के माध्यम के रूप के स्वीकार किया जाता, उसनों असी मुद्रा कह दें। हुण मतलब की होया, मान लो किसी प्रोड्यूसर ने वस्तुआं पैदा कीतियां जां सर्विसेज पैदा कीतियां, किसी व्यक्ति ने वह वस्तुआं जां सेवावां परचेज कर लिया बदले च पैसे देते, फिर प्रोड्यूसर उस पैसे नूं किसी होर यूज़ कर लेगा अपनी जरूरत दीआं वस्तुआं सेवावां दे लई ते पैसे किसी होर नूं दे देगा। इस तरह जिहड़ा ट्रांसफर ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी जिहनूं असीं मनी कह रहे हैं कीप ऑन कंटिन्यू, लगातार एक व्यक्ति तों दूसरे व्यक्ति दूसरे तों तीसरे, लगातार जिहड़ा मनी का मालक है ना वह चेंज होंदा रहिंदा है ज्यों ज्यों वस्तुआं की खरीद ते वेच होएगी। जेकर मुद्रा नूं असीं परिभाषित करन दी कोशिश करिए, एक कॉमन डेफिनेशन जिहड़ी देखण च आउंदी आ उह इह है, मनी इज दैट विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एट द सेम टाइम एक्ट एज अ यूनिट ऑफ मेजर एंड एज अ स्टोर वैल्यू। मतलब मुद्रा वटांदरे रूप दे विच वरती जाने वाली अजिही वस्तु है जिसनों सारे बिना किसी इनकार किए स्वीकार करते हैं, जिस दे नाल असी वस्तुओं की कीमत नूं माप सकते हैं ते उस कीमत नूं असी स्टोर भी कर सकते हैं, दैट इज़ मनी। इकनोमिक्स दे विच मनी नूं डिफरेंट एंगल तो भी डिफाइन किया गया, वन इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज दैट विच इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसनों सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो वटांदरे के माध्यम के रूप के लिए उस वस्तु नूं असी मनी कहने, दैट इज़ लीगल डेफिनेशन। सेकेंड वन इज द फंक्शनल डेफिनेशन, मनी काम की करती है, कामों के पॉइंट ऑफ व्यू तो इनू डिफाइन किया जा सकता है, मनी इज वट मनी डज, मुद्रा वो है जो वह काम करती है। इहदा मतलब फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू मनी नू इस ढंग नाल डिफाइन किया गया। जे तक नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी की गल करिए, अंडर नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज मनी रेफर्स टू ऑल दोज एसेट्स विच एक्ट्स एज मनी, वो सारिया संपत्तियां जिहड़ी मुद्रा के रूप के काम करते हैं उसनू मनी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड वन डेफिनेशन इज दैट वन इज़ कॉल्ड ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी की जिहड़ी ब्रॉडर डेफिनेशन है उत्थे मनी का अर्थ थोड़ा विस्तृत हो जाता है। मनी रेफर्स टू ऑल दोज एसेट्स एंड नियर मनी विच एक्ट्स एज मनी। ध्यान नाल देखो, नैरो डेफिनेशन दे विच मनी का मतलब वो सारिया एसेट्स जो एज ए मनी काम कर रही ने, ते नियर मनी ये की है ये बारे आप जो टाइप्स ऑफ मनी गल करते हैं, सारिया एसेट्स सारिया वस्तुआं जिहड़ी मनी या नियर मनी के रूप च काम कर दियां ने उन्हों ब्रॉडर डेफिनेशन दे विच असी मुद्रा कहने हैं। ये सी इहदी परिभाषा नाल संबंधित गल, ते अज दे इस टॉपिक दे विच असी अगे गल करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी, मुद्रा का विकास किवें होया। मुद्रा के विकास की कहानी बहुत लंबी है, जो अज दे रूप च असी कॉइन्स या करंसी नोट्स देखते हैं ये डायरैक्टली एवें नहीं बनिया, लंबे पीरियड के विचों लंघते हुए इस रूप के अज मनी साडे सामने है, जिस दे विचों सब तो पहले सी कैटल मनी, जदों वस्तुआं दे वटांदरे दे साधन दे रूप दे विच सब तो ज़्यादा जिहड़े पशुआं नूं वरत्या जांदा सी उहनूं असीं कैटल मनी कहिंदे आ, पेड़ बकरियां गां मझां इहनां नूं वस्तुआं दा लेन देन करन दे लई एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वरत्या जांदा सी उहनूं असीं कैटल मनी कहिंदे आ। नैक्सट है कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी का मतलब जिथे वस्तुआं दा लेन देन शुरू हो गया, अनाज जिस दे विच आ गया कणक चावल आटा दाल इन्हां चीज़ां नूं एज आ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वरतन लग गए उन्हों असी कमोडिटी मनी कहने हैं। नैक्सट है मटैलिक मनी, जिसनों असी धात वाली मनी कहने हैं, सोने चांदी के रूप के सोना चांदी तांबा लोहा इस रूप के धात या धात के बने हुए जोड़े कॉइन सी उन्हां नूं मुद्रा दे जिस रूप एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करन लग गए तो उन्हों असी मटैलिक मनी का नाम दें। इस तो बाद नैक्सट वन है पेपर मनी, करंसी नोट ने जिन्हें भी जदों कागज़ के रूप के मुद्रा जी प्रचलित हुई है, जिमें साडे देश दे विच नोट चलते हैं करंसी के 500 का 100 रुपए का, ये सारे करंसी नोट्स ने जिन्हों असी पेपर मनी का नाम दें। इस तो इलावा मनी की एवोल्यूशन स्टेज गुजरते हुए विकास के वल वधते हुए नैक्सट स्टेज आई बैंक मनी, जिस दे विच बैंक के सारे ड्राफ्ट चैक वगैरह शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेन देन के लिए वरते जाने वाले ने, इस करके इन्हों भी मनी का नाम किया गया जिन्होंने असी बैंक मनी कहने हैं। नैक्सट है नीयर मनी, नीयर मनी जिसनों असी लगभग निकट मुद्रा कहने हैं, जिस दे विच बैंक मनी भी शामिल है,
ਬਿਲਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਬੌਂਡਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਅਰ ਮਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਡੈਬਿਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮਨੀ ਦਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਜੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੇਪਰ ਮਨੀ, ਬੈਂਕ ਮਨੀ, ਨੀਅਰ ਮਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਇਹ ਬੈਕਬੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਨੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਏ ਗੁੱਡ ਮਨੀ। ਮਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਅੱਛੀ ਮਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ? ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਮਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੋਰਟੇਬਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਮਨੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਰੇਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਮਨੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੁੱਡ ਮਨੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਗੁੱਡ ਮਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ। ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ, 2 ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ, 10 ਰੁਪਏ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੁਆਇੰਸ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਧਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, 1, 2, 3 ਦੇ ਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੇ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਮਨੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ, ਮਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਐਜ਼ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲਿਊ, ਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਮਨੀ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਮਨੀ। ਯੈਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਦੇ ਟੋਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਦਾ ਇੰਟਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਮਨੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਟਨ ਔਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਔਰ ਕੁਆਇਨ। ਜੋ ਉਸ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 500 ਰੁਪੀਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੈਟ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ। ਇੰਟਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਂਤਰਿਕ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵਿਦ ਵਿਚ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਔਰ ਕੁਆਇਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਡ। ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਾਂ ਕੁਆਇਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਇੰਟਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਕੁਆਇਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ₹1,000, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 1,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਇੰਟਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ। ਇੱਕ ਕੋਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਨਰਲੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀਡ ਮਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਬੋਡੀਡ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮਨੀ ਵੇਅਰ ਦਾ ਇੰਟਰਿੰਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਮਨੀ ਐਂਡ ਦਾ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਰ ਸੇਮ।
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀਡ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਾਂ ਕੁਆਇਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਾਂ ਕੁਆਇਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀਡ ਮਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾ ਹੋਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ ਟੂਡੇ ਆਰ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੇਅਰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮਨੀ, ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ, ਇਸ ਕੋਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।